जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ अगर एक लाइन में कहूं तो खबर यह है कि भारत में डेमोक्रेसी कमजोर हुई है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जी हां, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने एक आंकड़ा जारी किया है जो भारत के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का सबब है, और यह क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 10 पायदान फिसला है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट हर साल रैंकिंग जारी करती है। 2019 के इंडेक्स में भारत का स्थान 51वां था, इससे पहले 41वें स्थान पर था। और यह जो रैंकिंग जारी की जाती है वो चुनावी प्रक्रिया, बहुलतावाद, नागरिक स्वतंत्रता और सरकार के कामकाज पर जो है किसी भी देश का काम आका जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम मुद्दे जिसका जिक्र हो रहा है, चाहे बहुलतावाद हो, सरकार के काम करने का तरीका हो या चुनावी प्रक्रियाएं हो, इन तमाम मुद्दों पर भारत के अंदर पारदर्शिता की सख्त कमी है। बहुलतावाद तो आप जानते ही हैं देश में क्या चल रहा है, पूरी तरह से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास है। चुनावी प्रक्रिया भी आप जानते हैं, चुनाव आयोग किस तरह से आंशिक तौर पर काम करता है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो ये आंखें मूंद लेते हैं। मगर आज जब मैं ये मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं ना दोस्तों, मैं एक अलग किस्म का इसमें ट्विस्ट देने वाला हूं। मेरी थ्योरी कुछ अलग है। अंग्रेजी में कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि अगर आप इंसान का चरित्र जानना चाहते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि वो किसके साथ उठता बैठता है। अब भारत में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है और भारत आज की तारीख में किन लोगों के साथ खड़ा है, यह जानने के लिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा कुछ तस्वीरों के साथ। सबसे पहले इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के शासक हैं, उनके साथ हंस रहे हैं। यही नहीं, जब वो भारत आए थे तो तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने एयरपोर्ट जाते हैं। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए, यह है जेफ बेजोस, अमेज़न के चीफ हैं और वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार के मालिक हैं। क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस को सऊदी अरब, जहां सिर्फ नाम का लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र किसी भी सूरत में नहीं है, और भारत दोनों ने टारगेट किया था। मैं बताऊंगा आपको, मगर अब इस चेहरे पर गौर कीजिए, जमाल खशोगी, सऊदी अरब का एक पत्रकार। इसे धोखे से सऊदी इंटेलिजेंस यूनिट अपने दूतावास में बुलाती है और इसकी गर्दन रेत देती है, गर्दन काट देती है। इस मुद्दे पर भारत सरकार पूरी तरह से खामोश रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अब आप कहेंगे कि मैं ये तमाम तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों। मैंने बात की जेफ बेजोस की। आप जानते हैं हाल ही में वो भारत आए, जब वो भारत आए तो आपके स्क्रीन पर इस खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं भारत में निवेश करूंगा जिससे भारत में जबरदस्त नौकरियां भी आएंगी। और आप जानते हैं जो काम भारत सरकार को करना चाहिए वो वादा ये शख्स कर रहा था। मगर इस शख्स के साथ हमने क्या किया? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पीयूष गोयल, जो ये कहते हैं कि अगर ये भारत में निवेश भी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पीयूष गोयल को बाद में यू टर्न लेना पड़ा था। हाँ, अपने जो वैचारिक पूर्वज हैं, वीर सावरकर की तरह अपनी बात पर यू टर्न करना पड़ा था, पलटना पड़ा था, वो बात अलग है। मगर क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, मगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि अमेज़न के अंतर्गत उनके मालिकाना हक में आता है यह अखबार वॉशिंगटन पोस्ट। और आप जानते हैं कि भारत में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा सकता है, जिस तरह से लिबरल्स को टारगेट किया जाता है, इस बात को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना कर रही थी। अब इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त नाराजगी थी भारत सरकार में, इसलिए वो जेफ बेजोस से नहीं मिले।
अब आप कहेंगे कि जेफ बेजोस का क्या नाता है मोहम्मद बिन सलमान यानी कि सऊदी शासक मोहम्मद बिन सलमान से? बहुत ही खतरनाक खबर आई है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस का फोन हैक कर लिया था और उनका फोन व्हाट्सएप के जरिए हैक हुआ था और ये किसी और ने नहीं बल्कि सऊदी शासक मोहम्मद बिन सलमान ने किया था? जी हां, और वो लगातार जेफ बेजोस को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पूरी प्रक्रिया किस तरह से हैक किया गया। आप जानते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जब जमाल खशोगी की हत्या करवाई थी मोहम्मद बिन सलमान ने, क्योंकि ये थ्योरी किसी और की नहीं बल्कि अमरीकी CIA की थी कि जमाल खशोगी की हत्या मोहम्मद बिन सलमान ने ही करवाई थी, तब अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सऊदी सरकार की जबरदस्त आलोचना की थी, उन्हें लगातार टारगेट किया था। इस बात से सऊदी प्रशासन बहुत नाराज था। तब क्या होता है दोस्तों, एक वीडियो भेजा जाता है मोहम्मद बिन सलमान के फोन से जेफ बेजोस के फोन को, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात हुई थी लॉस एंजलीस में और यहां पर इन दोनों ने फोन नंबर्स का आदान प्रदान किया था। और ये जो वीडियो भेजा गया था जेफ बेजोस के अकाउंट में, उसके जरिए जेफ बेजोस का जो फोन है वो हैक हो गया। और बाद में क्या होता है दोस्तों कि जेफ बेजोस की जिंदगी की तमाम जो पर्सनल चीजें थी वो सऊदी प्रशासन को पता चलने लगी। मसलन इस तस्वीर में उनका अफेयर चल रहा था एक टीवी एक्ट्रेस के साथ, वो बात पता चल गई। उनका डायवोर्स होने वाला था अपनी पत्नी के साथ, वो बात पता चल गई। यही नहीं, इसके बाद जब एक पूरा अभियान चलाया जा रहा था जेफ बेजोस के खिलाफ जिसके पीछे सऊदी सरकार थी, ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा था, तब जेफ बेजोस अपने कुछ जानकारों के साथ व्हाट्सएप पर इसकी चर्चा कर रहे थे। क्या आप जानते हैं दो दिन बाद मोहम्मद बिन सलमान उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और क्या कहते हैं कि आपके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें सऊदी सरकार का कोई हाथ नहीं है। यानी कि जो चर्चाएं जेफ बेजोस अपने प्राइवेट अकाउंट में कर रहे थे वो सारी बातें पता चल रही थी मोहम्मद बिन सलमान को। जेफ बेजोस के खिलाफ भी सऊदी सरकार ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था और भारत भी क्या कर रही है, जेफ बेजोस को टारगेट कर रही है। यानी कि आपके स्क्रीन्स पर मोदी जी भी और मोहम्मद बिन सलमान, और दोनों के निशाने पर यह शख्स जेफ बेजोस। मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को मौत के घाट उतार दिया, और अगर मोदी सरकार के बारे में कहा जाए तो इन्होंने पत्रकारिता को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में देश के अंदर जो मुख्य धारा की मीडिया है उसकी क्या हालत हो गई है। मैं आपको तमाम चीजें क्यों बता रहा हूं दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि देश के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्य जो हैं वो गिर रहे हैं। यह बात कोई और नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कह रही है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर आपको इंसान का चरित्र जानना हो तो यह परखिए कि वो किनके साथ उठ बैठ रहा है। आप जानते हैं जब जमाल खशोगी की हत्या के बारे में CIA ने अमरीकी राष्ट्रपति से कहा था कि भाई इस हत्या के पीछे खुद मोहम्मद बिन सलमान हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी राष्ट्रपति थे वो खामोश रह गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आप कहेंगे कि भाई अमरीका और भारत में क्या फर्क हुआ? नहीं, फर्क क्या मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के भी जहन में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई इज्जत नहीं है, बिल्कुल इज्जत नहीं है, वो एक व्यापारी हैं, वो बात अलग है। मगर अमेरिका के अंदर लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो जीवित हैं, चाहे वहां की प्रेस हो, चाहे वहां की गैर सरकारी संस्थाएं हो, और यही नहीं आम इंसान भी अगर वो देखते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है तो उनमें से कई लोग मैदान में उतर कर आते हैं। भारत में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, मगर एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसे इस बात की खुशी होती है, और मैं कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें इस बात की खुशी होती है जब सड़क पर एक व्यक्ति को लिंच किया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेशक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास न रखता हो दोस्तों, मगर वहां की संस्थाएं जीवित हैं, वहां के लोग जिंदा हैं,
मगर भारत में क्या हो रहा है दोस्तों, न संस्थाएं जीवित हैं और लोग भी ज़ॉम्बीज़ में परिवर्तित हो चुके हैं। इन्हें भी इस बात का कोई फर्क नहीं है कि किस तरह से नागरिकता बिल के जरिए या एनआरसी के जरिए लोगों को टारगेट किया जाएगा। वो भी मुद्दों को आंशिक तौर पर देख रहे हैं, मसलन चाहे आतंकवाद हो या बलात्कार हो। बलात्कारी अगर मुसलमान होगा तो आप में नाराजगी होगी, आतंकवादी अगर मुसलमान होगा तो आप में नाराजगी होगी। मसलन ये खबर जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये शख्स आदित्य वर्मा, ये मैंगलुरु एयरपोर्ट को उड़ा देना चाहता था। पहले 48 घंटे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रोपेगेंडा चलाया, जब तक यह नहीं पता था कि आदित्य वर्मा जो कि मैंगलुरु एयरपोर्ट को उड़ा देना चाहता था वो एक हिंदू है। मगर बाद में पता चला, और आप जानते हैं शख्स क्यों उड़ा देना चाहता था, क्योंकि वो अपनी आर्थिक हालात से दुखी था। आज मीडिया आदित्य वर्मा को आतंकवादी नहीं बताएगा, इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा और बाद में भी कहा कि अब सच को परखने की जो हमारी काबिलियत है ना, वो कमजोर होती जा रही है। हम अंदर से खोखले हो गए हैं, हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स में जीते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और यही वजह है दोस्तों, लोकतंत्र को तिलांजलि दी जा रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए, ये मत सोचिए कि अगर लोकतंत्र कमजोर होगा या ये संस्थाएं कमजोर होंगी तो नुकसान सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष को होगा। नहीं, हम सब पर उसका असर पड़ने वाला है। हम सब जो वॉइसलेस हैं, हम सब जो गरीब हैं, हम सब जिनके अपने परिवार हैं, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं, इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठा के सरकार आम इंसान पर दमन करती है, और तभी लोकतंत्र कमजोर होता है। अमेरिका में लोकतंत्र इसलिए मजबूत है, बेशक वहां का राष्ट्रपति लोकतंत्र में विश्वास ना करता हो, मगर वहां की जनता जागरूक है, वहां की मीडिया जागरूक है। हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां लोकतंत्र इसलिए मर रहा है क्योंकि जनता सो रही है, संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, और मीडिया जिसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर। तो बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। और हां, उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा कोई शो न्यूज क्लिक पर आएगा आपके मोबाइल फोन्स पर सीधे पहुंच जाएगा। नमस्कार। Thank you.